स्थानिक अपराध शाखा में कार्यरत पुलिस कर्मचारी पर आरोपी की पत्नी द्वारा बलात्कार का आरोप। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। हत्या के एक आरोपी की पत्नी ने स्थानिक अपराध शाखा में कार्यरत पुलिस कर्मियों पर पिछले एक साल से डरा धमका कर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में रामनगर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर LCB के एक पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के श्यामनगर निवासी पीड़िता का आरोप है कि उसके पति को हत्या के झूठे केस में फंसाया और साथ ही उसे भी केस में फंसाने का डर दिखाकर उसके साथ साल भर से यौन शोषण किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति एक दुर्घटना में घायल होकर बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी एक 8 वर्षीय बच्ची भी है। पीड़िता महिला ने मंगलवार की शाम रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। इस समय पीड़ित महिला ने चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगी। सर, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। आज एक साल से मैं पुलिस वालों की हवस की शिकार बनी हूँ। मेरे साथ में जोर जबरदस्ती हो रहा है। मेरे पति को मर्डर केस में फंसा के मेरे को बोलते हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो तेरे पति को और मर्डर केसों में फंसाएंगे। मेरे से जोर जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटते गए, साल भर से लूट रहे और आज भी लूट रहे सर। आज मेरे पति एक्सीडेंट में पड़े हैं, आके घर में बोलते हैं कि तू इतना पैसा ले और मेरे साथ में सो। संजू मेजर लूट रहा है मेरी इज्जत, संजू मेजर LCB वाला है। हाँ, एक मैडम है मेरे साथ में, वही मेरी बहुत मदद कर रही है। एक महिला है, महिला अध्यक्ष की ये है वो, उन तक आई मैं, उनको सब दिल की बात बताई। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ सर, मैं बहुत मजबूरी में उनके पास में, इतनी टॉर्चर हो गई हूँ, थक चुकी हूँ। ये लोग मेरी इज्जत लूटते लूटते मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मेरे को एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं फांसी लगा के अभी आत्महत्या करूंगी। मेरी एक छोटी बच्ची है सर, मुझे न्याय दिलाइए। मेरा पति एकदम एक्सीडेंट होके एकदम लूले पड़े और मेरे साथ में अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले।